बहुत ही फास्ट टिकट बुकिंग में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। फास्ट टिकट बुकिंग में करते हैं तो आपको 100% तक कैशबैक अभी कैश मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जो कि इंडियन है और यात्रा के संबंधित सभी सुविधाएं सस्ते रेट में प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप इनके मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट में बस टिकट, ट्रेन टिकट या होटल बुक करते हो तो काफ़ी सारे कैशबैक व डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाते हैं। यदि आप नए कस्टमर हैं तो आपको पहली यात्रा फ्री भी हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना अभी बस। जैसे ही टाइप करेंगे तो इनकी जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे www.abhibus.com आपको इस वेबसाइट पे ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। इस वेबसाइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं बस टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं और यहाँ पे रेंटल्स में आपको बताना चाहूँगा कि यदि कुछ लोगों को यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हमें एक बस की रिक्वायरमेंट है, हमारे इतने यात्री यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैसे बुक करना है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे बस टिकट है, आपने यहाँ पे राजकोट से अहमदाबाद सर्च किया है, किस डेट को सर्च करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से सर्च कर लीजिए, और उसके बाद से रिटर्न का कोई आपका प्लान है तो रिटर्न का भी सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ से सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि बसें हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि केवल एसी वाली बुक हमें करनी है जो भी बस, तो एसी पे आप सेलेक्ट करेंगे तो केवल एसी वाली बस यहाँ पे आ जाएंगी। हालांकि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं नॉन एसी की बस कितनी है तो वो आप देख सकते हैं। जितनी भी इस रूट पे बस अवेलेबल है इस डेट को वो देखने को मिल जाएंगी। अब यदि ये आप जानना चाहते हैं कि स्लीपर की बसेस केवल हमें बुक करनी है तो यहाँ पे स्लीपर की बसेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी बसेस आ गई हैं, और भी यहाँ पे फिल्टर्स हैं, ये पार्टनर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं और बोर्डिंग पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, और भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ड्राफ्टिंग पॉइंट जो भी है, ड्रॉपिंग पॉइंट वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्राइस के हिसाब से भी सॉर्ट बाय करके देख सकते हैं प्राइसिंग के बारे में, 450 ऐसे करके आ जाएंगी। बाकी यदि आप चाहते हैं कि बस की रेटिंग के हिसाब से करें तो रेटिंग का भी ऑप्शन है, रेटिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेटिंग है वो मिल जाएगा, उसके बाद से कम रेटिंग वाली बसें आ जाएंगी। बाकी आप सीट के हिसाब से भी सॉर्ट बाई करना चाहते हैं तो सीट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कितनी सीटें खाली हैं क्या है उसके हिसाब से हो जाएगा। बाकी डिपार्चर टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं और अराइविंग टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो केवल 10 बजे से पहले की बसें चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बिफोर 10 AM करेंगे तो केवल एक ही बस है, 10 बजे से पहले यदि आप जानना चाहते हैं तो। देखिए आप जिस रूट में सर्च कर रहे हैं उस रूट में जितनी बसें होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। बाकी यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक की बसें चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, तो ये करेंगे केवल वही बस आएंगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये चाहते हैं कि नहीं शाम को 5 PM से लेकर के 11 PM की बसें चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, यदि बस है तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आफ्टर 11 PM आप देख सकते हैं कितनी बसें हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी हम ट्रेन की बात कर लेते हैं, ट्रेन टिकट भी बुक होता है इस वेबसाइट से, तो ट्रेन टिकट आप यहां से सर्च कर लीजिए जिस भी स्टेशन से यात्रा करना चाहते हैं और जिस भी स्टेशन तक जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपोजिट भी कर सकते हैं, यहीं से आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे डिपार्चर डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देख सकते हैं जिस भी डेट को करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए फिलहाल में मैं ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे ट्रेन सर्च कर लेंगे। सर्च ट्रेन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी ट्रेनें हैं इस डेट में इस रूट में वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ट्रेनें आज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको कई सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे जिससे कि बहुत ही फास्ट टिकट बुकिंग में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे जनरल, तत्काल, लेडीज आप कर सकते हैं और उसके बाद जनरल कर सकते हैं। तत्काल यदि तत्काल के टाइम में कर रहे हैं तो तत्काल भी शो हो जाएगा, हालांकि नहीं है तत्काल का टाइम तो यहाँ पे कोई भी ट्रेन शो नहीं करेगी। और उसके बाद से यहाँ पे और फिल्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको ने बस में देखा, आप यदि डिपार्चर करना चाहते हैं रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे से पहले की ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं, केवल वो ही ट्रेन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, केवल वो ही ट्रेन आएंगी इसमें।
और उसके बाद से यदि आप ये चाहते हैं कि सुबह 6 बजे से 12 बजे से पहले पहले तक यात्रा करें तो वो वाली ट्रेन यहाँ पे आपको शो करेंगी, जिससे कि इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा फास्ट टिकट बुकिंग में, आपको ये देखने में कि किस ट्रेन में आपको यात्रा करना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे 12 से 6 बजे के बीच में आप देख सकते हैं शाम को, उसके बाद से 4 कैटेगरी है, इसमें चारों कैटेगरी का टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे शाम को 6 बजे से यानी कि 18 बजे से 23:59 तक आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वो भी ट्रेनें यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फिल्टर हटाना पड़ेगा, केवल एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो सारी ट्रेनें आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं हमें तो यहाँ पे शॉर्ट बाई करना है डिपार्चर के हिसाब से, तो वो भी आप कर सकते हैं। अराइवल के हिसाब से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे जहाँ पे जाना है उस एरिया में रात को 12 बजे से 6 बजे के बीच में पहुँचना है, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा अराइविंग में, आपको देखने को मिल जाएगा अराइविंग 8 में। तो अराइविंग 8 में आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अराइविंग 8 में हमने सुबह का टाइम सेलेक्ट कर लिया है, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो वो ही यहाँ पे ट्रेनें शो करेंगी। आप देख सकते हैं कि इतने बजे आपको पहुँचाएंगी। और यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही पहुँचना है वहाँ पे, तो वो ट्रेन भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ये फिल्टर कर लेते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड है, आप देख सकते हैं ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद से आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 और टाइम देखने को मिलेगा, आप यदि 12 बजे से शाम को 6 बजे तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 18 बजे से 23 बजे तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सारी ट्रेनें हैं उसी के हिसाब से, आपके फिल्टर के हिसाब से देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं इस वेबसाइट से यदि आप टिकट बुक करते हैं तो। हालांकि काफ़ी लोगों के पास क्वेश्चंस होगा कि क्या हम इस वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो IRCTC का अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो देखिए IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा होटल के बारे में जान लेते हैं, तो होटल के बारे में भी होटल भी बुक कर सकते हैं आप अहमदाबाद, जैसे आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अहमदाबाद हमने एंटर कर लिया है, जिस डेट को आपको होटल बुक करना है वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी मंथ में चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, और चेकआउट का भी आप कर लेंगे जब भी जितने दिन तक रहना है वो भी आप कर सकते हैं, तो चलिए एक दिन का ही हमने एंटर कर लिया है। बाकी यहाँ पे आप डिटेल एंटर कर सकते हैं कि कितने पर्सन आपके साथ हैं, केवल एक लोग हैं, बच्चे कितने हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, 8 रूम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे तो जो होटल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगा, उनके रेट्स भी आ जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे लोकलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, हालांकि आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, कहाँ पे कार्ड से स्वाइप वगैरह कर सकते हैं, सारा यहाँ पे हाईलाइटेड में दिख रहा है, इनका रेट भी दिख रहा है, किस लोकेशन में है यहाँ से लोकेशन भी देख सकते हैं, मैप से ट्रैक भी कर सकते हैं। अब उसके बाद से कुछ बस का रेंटल के बारे में जो हमने बात किया था वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि आपको राजकोट से अहमदाबाद, ये राजकोट एग्जांपल है, आपको जहाँ से भी चाहिए वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद लिख लेते हैं, अहमदाबाद से आपको चाहिए, और कितने तारीख को चाहिए, देखिए कम से कम इनको 24 घंटे का टाइम देना पड़ता है, तो आप किसी और डेट को, जिस डेट को 26 तारीख को आपको चाहिए, तो यहाँ पे टाइम देख लीजिए, टाइम भी एंटर कर लीजिए। यहाँ पे डिपार्चर तो आपने एंटर कर लिया, बाकी राउंड ट्रिप के लिए चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, राउंड ट्रिप को आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे यदि कोई बस अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, अगर नहीं है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट योर रिक्वेस्ट, ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, और मैक्सिमम 160 पैसेंजर्स तक का डिटेल आप दे सकते हैं, आपके पास कितने पैसेंजर हैं वो उनका डिटेल आप दे दीजिए, कितने पैसेंजर यात्रा करना चाहते हैं उस बस में, उसके हिसाब से इनके द्वारा व्यवस्था की जाएगी, आपसे संपर्क किया जाएगा, सेंड OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद से आप प्रोसेस कर पाएंगे। बाकी ऑनलाइन बस टिकट पे आपका क्या चल रहा है, इस पे ऑफर्स वो आपको सारे दिख जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर्स की भरमार लगी हुई है, और भी हमेशा ऑफर्स आते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी बस रेफरल यदि आप करते हैं तो आपको 100% तक कैशबैक अभी कैश मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।